everyone, welcome back to my channel. My name is Ritu and my today's video is all about Amazon biggest ever sale. So guys, sale start ho gayi hai. Go and grab your favorite thing at crazier discount. Links sare main aapko niche description box mein de dungi. Now without any further ado, let's get into my favorite thing, this lavender ड्रेस. एंड इसमें आपको आई थिंक एक दो कलर्स और मिल जाएंगे. साइज़ जो मैंने इसमें परचेज़ किया है वो स्मॉल साइज़ परचेज़ किया है एंड जो इसका प्राइस है वो अराउंड आपको मिलेगा 1000 rupees. एंड इसमें साइज आपको एक कलर और मिल जाएगा. बाकी ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. सो ओवरऑल आपको इस तरीके का यहाँ पर फ्रंट लुक मिल जाएगा. दोनों साइड में आपको इस तरीके की स्टेप्स मिल जाएंगी. स्टेप्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हो. इसका जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है ऊपर वाला. एंड अंदर आपको इस तरीके की लाइनिंग मिल जाएगी. जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ एक ना एक लेवेंडर कलर ज़रूर रखूँ और मुझे हमेशा लेवेंडर कलर में से कुछ ना कुछ पसंद आ भी जाता है. यहाँ पर आपको इस तरीके का ऊपर स्टेप्स मिल जाएंगे एंड स्टेप्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हो. ऊपर का जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है एंड जो पूरा फैब्रिक है ना उस पर इस तरीके के लाइक जैसे मैं बोलती हूँ ना बूटी बूटी वाला वर्क, कुछ उस तरीके का काम हो रखा है. एंड उसके अलावा इसमें इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा आपको. अंदर जो लाइनिंग अप्लाई कर रखी है वो भी लेवेंडर कलर में अप्लाई कर रखी है और बहुत ही सॉफ्ट वाला फैब्रिक अप्लाई कर रखा है. बाकी ओवरऑल स्टेप्स इस तरीके की मिलेंगी. पीछे से आपको ना पूरा इलास्टिक वाला काम मिल जाएगा तो ऊपर का स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है. और नीचे तो आपको इतना ज़्यादा प्यारा वाला घेर मिलता है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती. एंड जो लाइनिंग अप्लाई कर रखी है आप देख सकते हो, इतनी नीचे तक लाइनिंग अप्लाई कर रखी है और इसका घेर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है. सो आई रियली लव दिस ड्रेस. सो ये वाले शूज़ मैंने परचेज़ करे इस ड्रेस के साथ बिकॉज इसमें हल्का सा लेवेंडर शेड है. एंड मेरा जो साइज़ है वो 4 साइज़ है और प्राइस लाइक अराउंड 2000 rupees में मैंने लिए हैं. पूमा के शूज़ हैं एंड आई थिंक पूमा के शूज़ 2000 rupees में मिलना इट्स इम्पॉसिबल. एंड क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग, बहुत अच्छी है ओवरऑल क्वालिटी. एंड मेरे को शेड में एक कलर शूज़ चाहिए थे, मतलब वाइट मिक्स पिंक या लेवेंडर. सो फाइनली मैंने ये परचेज़ कर लिया एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे को. एंड इसमें आप अगर ये कलर नहीं चाहते तो आप और कोई कलर परचेज़ कर सकते हो. बाकी फाइनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. ओवरऑल क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. पूरा जो फैब्रिक है ना वो लाइक कपड़े का है बिल्कुल भी. इसमें कोई भी प्लास्टिक वगैरह नहीं यूज़ कर रखी है. सो दैट्स इट. नेक्स्ट आई हैव दिस वाइट टॉप. एक्चुअली मैंने ना ये वाला टॉप कई बार ही देखा था तो मैंने सोचा कि फाइनली परचेज़ कर ही लेते हैं. सो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा. एक्चुअली जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो मीडियम साइज़ परचेज़ किया है और प्राइस अराउंड 400 है इसका. तो साइज़ मेरे को मीडियम थोड़ा सा लार्ज है, मतलब बड़ा है. एंड तो इसलिए आप अपने एक्चुअल साइज़ पे जाना, जैसे कि मुझे स्मॉल साइज़ पर ही जाना चाहिए था. पर मुझे लगा ना ये ना इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, मतलब क्रॉप टॉप है तो मुझे लगा थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा मिल जाएगी मीडियम साइज़ में, इसके लिए मैंने ये परचेज़ करा. और ये ना उसमें वाइट लगता है लेकिन ये ना ऑफ वाइट है, मतलब थोड़ा सा क्रीमिश शेड में है. एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. आपको देख सकते हो ना कितना लूज सा फैब्रिक लग रहा है. तो फैब्रिक इसका सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. फ्रंट पर आपको इस तरीके की फ्रिल्स मिल जाएंगी, इस तरीके का नॉट बनाने के लिए मिल जाएगा. एंड नीचे आपको इस तरीके का बेल्ट मिल जाएगा. बाकी फुल स्लीव्स मिलेंगी एंड पीछे आपको बिल्कुल ये प्लेन मिलने वाला है. थोड़ा सा ये सी थ्रू है तो आप अंदर स्पैरिटी वगैरह कुछ भी पहन सकते हो, बट इसका फैब्रिक सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. तो मीडियम साइज़ की वजह से मेरे को थोड़ा सा नेक भी लूज़ है तो आप अपने एक्चुअल साइज़ पर ही जाना. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट. नेक्स्ट आई हैव दिस टॉप. इसका जो प्राइस है वो अराउंड 500 है और इसका जो साइज़ मैंने परचेज़ किया है वो स्मॉल साइज़ पिक किया है. एंड इसका जो ब्रांड है वो दिबाको ब्रांड है. ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके लिए मैंने ये परचेज़ करा, क्योंकि इस तरीके के कलर का कोई भी मेरे पास ड्रेस भी नहीं है और आई थिंक कोई टॉप भी नहीं है. तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, पूरे पर इलास्टिक वाला काम हो रखा है तो इसका स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है. एंड अंदर भी इस तरीके की इलास्टिक अप्लाई कर रखी है तो बीच में से ना थोड़ा सा शिमर सा कर जाता है, तो मतलब स्ट्रेच सा कर जाता है. तो इसके लिए ना फ्रंट का लुक बहुत अमेजिंग आता है. नीचे आपको इस तरीके का फैब्रिक मिल जाएगा, मतलब वहाँ पर कोई भी लाइक फ्रिल्स वगैरह अप्लाई नहीं करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट में मिलेगा आपको. स्टेप्स पर हुक्स अप्लाई कर रखे हैं ताकि आप इजीली छोटा बड़ा कर सकते हो. बाकी फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ऊपर आपको इस तरीके की फ्रिल्स मिल जाएंगी तो आफ्टर वेयरिंग इसका लुक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. सो दैट्स इट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट आउटफिट. ये मैंने नाइट वेयर में से लिया है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था. इसमें आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे. मैंने अराउंड लिया है ये 400 में. इसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी आई है. साइज़ मैंने इसमें पिक किया है स्मॉल साइज़.
सॉरी मीडियम साइज़ पिक किया था क्योंकि मुझे लगा कि इलास्टिक वाली दिक्कत ना हो इसकी वजह से। ये है इसकी टी शर्ट एंड ये इसका लाइक शॉर्ट है। एंड मैंने इसे बताया ना कई सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो बट पता नहीं क्यों मुझे ग्रीन कलर पसंद आ रहा था ज़्यादा। इसमें आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, पिंक कलर मिल जाएगा, और जो उसका फैब्रिक है ना सच में यार इतना सॉफ्ट और इतना कम्फर्टेबल है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बाकी इस आपको ना बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ में ली है तो मुझे अच्छी खासी लेंथ मिल गई है इसकी टी शर्ट की। एंड फ्रंट पर आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा हार्ट के साथ, एंड स्लीव्स आपको इतनी छोटी छोटी सी मिलेंगी। बाकी बैक से ये पूरा प्लेन है, फ्रंट पर आपको इस तरीके का राउंड नेक मिल जाएगा। इसमें गाइस इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, नाइट वेयर के लिए सच में बहुत सॉफ्ट है। बाकी अगर इसके शॉर्ट्स की बात करूँ तो सेम फैब्रिक है, सेम मतलब कलर कॉम्बिनेशन है वाइट और ग्रीन कलर। एंड ये मैंने मीडियम साइज़ में लिया है, इसके लिए मुझे इलास्टिक सही से आई, बिल्कुल टाइट नहीं, क्योंकि रात में सोते टाइम ना टाइट वगैरह कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। तो इसके लिए मैंने कम्फर्टनेस का ध्यान रखते हुए इसको लूज़ में लिया है। बाकी दोनों साइड में आपको पॉकेट मिल जाएंगी, ये सबसे अच्छी चीज़ है। सॉरी एक साइड में ही मिलेगी आपको, वन साइडेड पॉकेट है, राइट हैंड साइड में आपको पॉकेट मिल जाएगी। बाकी फ्रंट पर आपको इस तरीके का ये मिल जाएगा लाइक रिबन। दैट्स इट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटीफुल क्यूट ड्रेस विथ पिंक कलर, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने ना इसे रील्स में किसी को पहने हुए देखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना परचेज़ किया जाए। एंड ये ना आप लाइक बर्थडे वगैरह में भी पहन सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड बहुत ही प्रिंसेस वाली फीलिंग आती है। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 500 और 600 है, और साइज़ मैंने इसमें मीडियम परचेज़ करा है। यहाँ पर आपको फ्रिल्स वाली इस तरीके की शोल्डर्स पर स्लीव्स मिल जाएंगी, आप चाहो तो शोल्डर ऑफ़ करके भी पहन सकते हो। बाकी पूरा फ्रंट पोर्शन पे आपको इस तरीके की प्लेट्स मिल जाएंगी, जिससे इसका जो नेक पोर्शन है वो बहुत ही प्रिटी आता है। एंड यहाँ पर इस तरीके की बलून वाली स्लीव्स मिलेंगी, बलून वाली स्लीव्स के नीचे आपको इस तरीके का फ्रिल्स वाला इलास्टिक अप्लाई किया हुआ मिल जाएगा। बाकी पूरा जो फ्रंट वाला लुक है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड बैक से आपको पूरा इस तरीके का स्ट्रेचेबल मिल जाएगा, बिकॉज इलास्टिक अप्लाई कर रखी है। एक्चुअली मुझे ना ये स्मॉल साइज़ में ही परचेज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे ना वेस्ट पोर्शन से थोड़ी सी लूज़ लग रही है ये। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे पर साइड में इस तरीके की इलास्टिक अप्लाई कर रखी है, जिससे इसका फ्रंट लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। बाकी नीचे आपको पूरा इस तरीके का घेर मिल जाता है। फैब्रिक जो है मैं बता चुकी हूँ सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है, एंड अंदर जो लाइनिंग अप्लाई कर रखी है वो कुछ इस तरीके की लाइनिंग अप्लाई कर रखी है। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन का तो नहीं है, थोड़ा सा क्रीपी वाला फैब्रिक है एंड बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। सो ओवरऑल ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी ना इसको पहनने के बाद बहुत क्यूट क्यूट सा लुक आता है, एंड प्राइस भी काफ़ी डिसेंट है, अराउंड 500 और 600 है। साइज़ मैंने आपको बता ही दिया, एंड दैट्स इट, आई रियली लव दिस ड्रेस। मेरा आज का हॉल वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।